हेलो एवरीवन, दिन की शुरुआत करते हैं हर रोज़ की तरह वेट चेक के साथ। तो देखते हैं, कल रात को जो 70 केजी हो गया था वो वापस 69.400 हो चुका है। दैट्स गुड। हाय, टुडे इज़ द 20th डे ऑफ माय वेट लॉस जर्नी और मेरा वज़न आज भी मेंटेन हो रखा है। इट्स अ 69.4 केजी, मतलब अब मुझे सिर्फ एक वीक में 1 केजी लॉस करना है और आई एम कम्प्लीटली गोइंग टू विन द चैलेंज। तो आज फिर से एक बार मैं रेडी हूँ जिम के लिए एंड मिलते हैं जिम के बाद। जिम से आकर एज यूजुअल ब्रेकफास्ट में मैं खाने जा रही हूँ थोड़ी सी खीर, जो प्रसाद की मैंने फ्रीजर में रख दी थी। मैंने बनाई थी ज़्यादा क्योंकि इतनी हम सबको पसंद आती है ये, और कुछ नट्स। डन, एक्चुअली नॉट डन। खीर खा के कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया था तो फिर ये तीखे में खाया मैंने। वैसे तो खीर जानबूझ के ही ज्यादा बनाई गई थी, फिर भी इतनी ज्यादा कैसे बचे उसकी कहानी सुनिए अब। आपको लगेगा कि मैं कितना बासी खाना खाती हूँ। खीर खा के खांसी हो रखी है। एक्चुअली बात हो रही है, मतलब खीर बहुत बढ़िया लगती है और जनरली 50-70 लोग होते हैं प्रसाद के टाइम पे। उस दिन लोग कुछ कम थे तो थोड़ी बच गई थी, मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया था। तो अभी लंच में भी मैं, मतलब अभी खत्म हो रही है, ये लास्ट है, फिर भी लंच में मैं खाने जा रही हूँ खीर, कल रात की बची हुई पालक पनीर की सब्जी और ये कुछ थोड़े से नट्स। एंड दिस इज माय लंच, टुडेस लंच। डिनर के लिए बना दिए थे मैंने एवोकाडो स्टफिंग वाले टाको स्टाइल रोटी के रोल्स, जिसमें रतलाम इसेओपी ऐड की थी। आज ना सैटरडे है और मैं थोड़ा चीट कर रही हूँ आज, मतलब कर ही लिया है आज का दिन, मैंने ज़्यादा नट्स खा लिए है और अब मैं खाने जा रही हूँ एवोकाडो रैप। मतलब सैंडविच खाने का मन था पर ब्रेड नहीं खानी थी मुझे, इसलिए मैंने इसको रोटी में ही तैयार कर लिया। ये ना बहुत ही ऑसम लगता है और आपको सैंडविच की याद भी नहीं दिलाता, मतलब उसकी कसर पूरी करता है पर आपको ब्रेड नहीं खानी पड़ती, आई मीन मैदा नहीं इंटेक करना पड़ता। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप भी ट्राई कीजिएगा कभी। बाद में स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने ये एक कटोरी सेव भी खाई थी। तो इतना सारा खाने के बाद देखते हैं अब रात को सोने से पहले वज़न कितना है। सुबह तो ये 69.400 ग्राम हो चुका था फिर से, अब ये बढ़ के हो गया है 70 केजी 100 ग्राम। तो दोस्तों, आज की जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई सुबह के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।